हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर मेडिकल में। हम वीडियो में आज आपको पास लेकर आए हैं इसी दिलचस्प मालूमात जॉइंट पेन के ऊपर। जॉइंट पेन बहुत ही ज़्यादा आम बात हो चुकी है दोस्तों आजकल के दौर में। तो हम नए आने वाले वीडियो व्यूअर से गुजारिश करते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसलिए नीचे दिए गए बेल के आइकॉन को भी दबा दें। दोस्तों, जॉइंट पेन के बारे में हम बात करेंगे, क्या है और किस तरह से होता है और उसका इलाज क्या और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों, जॉइंट पेन एक ऐसी समस्या है जो आज हर 10 में से 8 लोगों को ये हो रही है, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो या फिर बच्चा हो। लेकिन इसका इलाज भी बहुत ही सरल और कारामद तौर पे हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उसे अपना नहीं रहे। हमारी जो पद्धत है उसको हम भूल गए हैं, इस वजह से ये हमें बार बार बढ़ती ही जा रही है बीमारियाँ। तो दोस्तों, हम बात करेंगे जॉइंट पेन क्या है। दोस्तों, जॉइंट पेन सबसे पहले तो बहुत प्रकार के होते हैं, ये बात याद रख लीजिए कि जॉइंट पेन, नी जॉइंट यानी कि घुटने का दर्द, हाथों का दर्द, पैर का दर्द, कमर का दर्द, सर दर्द, ये अलग 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 किस्म के जॉइंट पेन होते हैं। तो हम बात करेंगे पेन के बारे में, यानी कि सिर्फ जॉइंट के दर्द के बारे में। दोस्तों, दो जॉइंट मिलकर यानी कि दो हड्डियों को, दो अस्थियों को मिलकर बनने वाले जगह को हम जॉइंट कहते हैं, और उसको बीच में एक सिनोवियल फ्लूइड होता है जो दोनों के बीच में की चिकनाहट को बराबर रखता है। अगर दोस्तों ये दोनों के बीच में की चिकनाहट, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर जो लाल स्पॉट है दो हड्डियों को मिलकर बनाए हुए और बीच में जो खाली जगह है उसके अंदर एक गैप बताया दिखाई दे रहा है, वो गैप में सिनोवियल फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड के कम हो जाने की वजह से दोस्तों हमें जॉइंट पेन होता है। और ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम आपको वीडियो के फोटोज़ जो जा रहे हैं आप उसको देख सकते हैं कि ये कमर का हो सकता है, घुटने का हो सकता है, कोहनी का हो सकता है, गर्दन का हो सकता है, पीठ का हो सकता है, पीठ का हो सकता है और गर्दन के सामने का हो सकता है, बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। दोस्तों, ये मेनली होता है कारण कि जो दोनों के बीच का जो सिनोवियल फ्लूइड होता है, जो चिकनाहट का मादा होता है, वो कम हो जाने की वजह से ये बीमारी होती है। तो इसको हम कैसे मेंटेन रखें, इसका इलाज कैसे करें, अब हम ये देखेंगे। दोस्तों, साइन और सिम्टम्स की तो बात करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पेन यानी कि दर्द तो सबको समझ में आ जाता है कि वो कैसा और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इसमें इसके इलाज के बारे में। तो इलाज के पहले जाने से पहले हम बात करेंगे इसके प्रिकॉशन के बारे में, यानी कि इसको रोकथाम कैसे की जाए। दोस्तों, आज भागदौड़ की बड़ी ज़िंदगी में लेकिन हम कुर्सियों पर बैठने लगे हैं और हम ज़्यादातर एकदम एक अयाशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पंखों के नीचे एसी के अंदर बैठते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ज़्यादातर दोस्तों ये पंखों और एसी की वजह से जो जॉइंट पे वहाँ पर ज़्यादा हवा, ठंडी गर्म हवा लगने की वजह से वो एरिया डैमेज होना शुरू होता है और उम्र के हिसाब से वहाँ पर डीजनरेशन, कैल्सिफिकेशन होना शुरू होता है। तो जिसकी वजह से वो वहाँ पर का जो मादा है वो कम हो जाता है और हमें बीमारी लाहक हो जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें योगा करना ज़रूरी होगा, चल फिरना ज़रूरी होगा। और मेडिसिन की बात करें तो दोस्तों हमें इसमें कैल्शियम सिरप और टैबलेट कैल्शियम और उसको मालिश करना होगी दोस्तों। तो अगर कभी हमारा घुटने का दर्द है तो हमें इसे नीचे मालिश करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर मालिश करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। दोस्तों, इसी के ज़िमन में हमारा यूट्यूब चैनल के जो डॉक्टर्स हैं, हम जिनसे कंसल्ट करते हैं तो उसके ऊपर हमारा रिसर्च चल रहा है कि हम एक बेहतरीन घुटनों के ऊपर दवा निकाल कर आपको दें। तो बहुत जल्दी हमारी एक रूमामेड बोल की मेडिसिन आपके पास आने वाली है स्टोरों पर, तो आप उसे भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम खान पान का सही तरीके से इस्तेमाल रखें और हमें रोज़ाना 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब तो योगा भी आ चुका है, हमें योगा की भी क्लासेस लगानी चाहिए, योगा भी सीखना चाहिए, लेकिन जितना लिमिट में हो सके उतना ही बेहतर है। अगर मुस्लिम है तो नमाज़ पढ़नी चाहिए, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से एक योगा ही है जो हमारे पीठ पेट और पैर के दर्दों को भगा देता है। अगर कभी आपको दूसरा कोई दर्द हो तो आप हमें
बताइए, हम उसका भी इलाज आपको उसके ज़रिए बताएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट कीजिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल DSR मेडिकल, और हमें मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।